देख रही हैं अम्मा जी, शहरी लोगों का प्यार कोई शर्म कोई लिहाज नहीं ना। अरे अरे आप क्या कर रहे हैं? काहे में विधवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? तुमको विधवा बनाने का कोशिश कर रहे हैं हमें? हमारे जैसे आदमी का वजन नहीं रहा, बेइज्जती हो रही है घर में, ये जिल्लत सह के हम जी पाएंगे का? अम्मा चलो हमको मरना, हमको जीना नहीं है, ये पकड़ो, ये रस्सी पकड़ो, तुम पकड़ो खींचो। अरे क्या करने को कह रहे हैं? दुनिया की पहली पत्नी होंगे जो अपने हाथ से अपने पति को फांसी चढ़ा रही है। बाबूजी को इतना परेशान आज तक नहीं देखा हमने। हमको नहीं जीना, हमको चलो खींचो। हमारी बात सुन, वो लड़की को इतना मजबूर कर दे कि फांसी का फंदा खुद ही अपने गले में डाल ले, निकाल इसे। सौगंध खाओ कि हम सब मिलके वो लड़की को इतना दम करेंगे कि उसका दम निकल जाए। चल सुमित्रा, क्या हुआ? दर्द हो रहा है क्या? कहाँ लगी? अरे घबराइए मत, हमने तो ये नाटक इसलिए किया था ताकि आपके साथ दो पल बिता सके। भैया हमें भाभी से कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बात भी कर लो और इन्हें घर भी दिखा दो। कल रात को ये दीवार के साथ टकरा गई थी तो चोट लग गई, हमसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। हमें जितनी मर्जी चोटें लग जाए लेकिन इन पे खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। बाबूजी ने मुझे ये साड़ी और चूड़ी देने के लिए कहा था, इसे पहन के ना जल्दी से तैयार हो जाइएगा। वो कहा है ना पूजा होनी है आपके हाथ, लीजिए। हम आते हैं। अम्मा आप लोग सुरनी मैडम की रस्में करने जा रहे हैं? हाँ बस वो तैयार होके आ जाए, फिर शुरू कर देंगे रस्में। हमें भी देखनी है रस्में। हाँ, सबने एक जैसी साड़ी पहनी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, सभी एक के रंग की साड़ी पहन के एक ही रंग में रंग जाते हैं। लेकिन क्यों? क्यों का मतलब? अरे हम तो इतने साल से एक ही रंग की साड़ी पहन रहे हैं, वो भी बिना सवाल किए, और तुम कल की आई पूछती हो क्यों? अरे मास्टर नी, भूल जाओ जो दिल्ली में चलता है वो सब। कहे कि तुम इस घर की बहुरिया हो तो इस घर के हिसाब से चलना पड़ेगा, यहाँ का नियम मानना पड़ेगा जो हम बनाते हैं। माफ कीजिएगा बाबूजी, मैं आपके और आपके परिवार की इज्जत करती और आपके रीति रिवाज की भी, इसीलिए मैंने ये साड़ी स्वीकार कर ली, ये सोचकर कि ये शगुन की साड़ी। मैं आपकी बात नहीं काट रही हूँ बाबूजी, मैं तो बस अपनी बात रख रही हूँ, और अपनी बात रखने का और अपने तरीके से जीने का तो सभी को हक है ना। ए, उठाल उठाना है तुम। पूरे 101 बार आरती करना है।